नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 12 Pro 4G versus Realme C33 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 12 Pro 4G में 6.47 इंच जबकि Realme C33 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Note 12 Pro 4G में 3.01 इंच जबकि Realme C33 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Note 12 Pro 4G से कम है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 12 Pro 4G में 192 ग्राम जबकि Realme C33 में 187 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 12 Pro 4G में AMOLED जबकि Realme C33 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 12 Pro 4G में 1080x2400 और Realme C33 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 12 Pro 4G में 85.62 जबकि Realme C33 में 82.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 12 Pro 4G में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि Realme C33 में 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Note 12 Pro 4G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Realme C33 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 12 Pro 4G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Realme C33 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 12 Pro 4G में Mali G57 MP2 जबकि Realme C33 में Mali G57 MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 12 Pro 4G में MediaTek Helio G99 और Realme C33 में Unisoc T612 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 12 Pro 4G में 8GB की RAM मिलती है जबकि Realme C33 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 12 Pro 4G में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Realme C33 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 12 Pro 4G में अप टू 2TB जबकि Realme C33 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 12 Pro 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Realme C33 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3GB RAM 32GB स्टोरेज के साथ 10,990 रुपीस
4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 4G में 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें रेलम C33 की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में नोट 12 प्रो 4G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro Plus 5G है, दूसरा Nokia G21 है, तीसरा Samsung Galaxy A4 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A33 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।